नमस्कार दोस्तों 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 आज का मैं वीडियो इसलिए लेके आया हूँ आपके लिए कि चाहे इंटर जोन ट्रांसफर का हो, चाहे वो मैच्योर ट्रांसफर हो, चाहे चेंज ऑफ कैटेगरी ट्रांसफर हो, चाहे वो स्पेस ग्राउंड ट्रांसफर हो, चाहे वो इंटर डिवीजन ट्रांसफर हो, इसमें क्या समस्या आ रही है और इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, उसके लिए मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिस भाई ने भी नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के वीडियो बनाने के पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इंटर डिविजन ट्रांसफर, चाहे इंटर रेलवे ट्रांसफर, चाहे मेचू ट्रांसफर दोस्तों, चाहे वो स्पेस ग्राउंड ट्रांसफर हो, चाहे चेंज ऑफ कैटेगरी ट्रांसफर दोस्तों, इसमें एक कॉमन समस्या है, रेगुलर प्रमोशन में हम कौन सी डेट डालें। दोस्तों किसी का भी अगर रेगुलर प्रमोशन 2 साल के बाद में प्रमोशन होता है, अगर रेगुलर प्रमोशन किसी का भी हुआ है, वो किसी भी ग्रेड में हुआ हो, तो वही डेट आपको डालनी है। अगर आपका किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं हुआ हो और आप जिस ग्रेड में हो वही उस ग्रेड में हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई डेट नहीं डालनी है दोस्तों, रेगुलर प्रमोशन डेट वाले ऑप्शन में। दूसरा दोस्तों कि आपका जैसे मैच्योर की मैं बात करूं, उन रिक्वेस्ट की मैं पहले बात कर लेता हूं कि अपलोड फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स में कौन सी एप्लीकेशन और कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने। तो दोस्तों आपको ऑन रिक्वेस्ट जैसे इंटर डिवीजन का हो, चाहे इंटर रेलवे का हो, चाहे मैच्योर का हो, तो वो आपको उसमें पहला है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन आप में उसमें पीडीएफ में डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों पहला है कि आप जिस भी ग्रेड में हो, आपका कभी भी किसी भी ग्रेड में प्रमोशन हुआ हो और आप इंटर डिवीजन या इंटर रेलवे आप ट्रांसफर जाना चाहते हो, चाहे वो मेचुल से हो, चाहे वो इंटर डिवीजन से हो, चाहे इंटर रेलवे से, तो दोस्तों उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, वो भी साधारण रूप में और वो भी DRM ई के नाम पर। उनको एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में लिखना है कि मेरा अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है तो मैं 1800 ग्रेड में जाने के संबंध में, और उसमें जैसे नीचे लिख देंगे आदरणीय महोदय ने कि मैं फलाना जो ग्रेड है, नाम है, डेजिनेशन है, वो लिखने के बाद में अगर मेरा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या इंटर डिविजन ट्रांसफर होता है तो मैं अभी वर्तमान में मैं 2800 ग्रेड पे हूँ, और मैं जब भी मेरा ऑन रिक्वेस्ट इंटर डिवीजन या फिर इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है तो मैं 1800 ग्रेड में जाने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरी सहमति है मेरी स्वयं की इच्छा के अनुसार। तो इस तरह से आपको एक साधारण सी एप्लीकेशन लिखनी है जो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में। और इसमें एक ये समस्या है कि आपको एक ही PDF में सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट लगाने, एक ही PDF में लगाना है, और जितना कम हो सके उतनी MB से छोटा कीजिए, वही आपको डाउनलोड करना है। सिग्नेचर जो आपका आपके सर्विस शीट में सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है दोस्तों। दोस्तों तीसरी समस्या हमारी मैचुअल ट्रांसफर की। तो दोस्तों उसमें है ये समस्या आ रही कि जैसे मेरा ट्रांसफर मैचुअल ट्रांसफर दूसरे साथी से कर रहा हूँ, चाहे वो सेम ग्रेड का हो, दूसरा है कि उसका मेडिकल सेम होना चाहिए, मतलब आप दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर कर रहे हो। अब समस्या इसमें क्या आ रही है कि मैं दूसरे साथी से मैचू ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो दूसरा साथी का उस पर मेरा फोटो और मेरा साइन अपलोड नहीं हो रहा है, तो उससे पहले मेरा साइन और मेरा फोटो मैं स्वयं मेरी HRMS की ID पर मैचू ट्रांसफर फॉर्म पर ऑनलाइन में डाउनलोड करूंगा, पूरा फॉर्म भरूंगा, भरने के बाद में मेरा पूरा अपडेट होने के बाद में, OTP आने के बाद में, OTP देने के बाद में, फिर वही फोटो और वही साइन हमको हम मेरे साथ जो मैचुल करना चाहता है साथे उसको देंगे, और फिर वही ये फोटो और सिग्नेचर वो डाउनलोड करेगा, जब जाकर आपका मैचुल ट्रांसफर पूरा फ्लिप होगा। जैसे नॉर्मल आप समस्या है वो तो मैंने बता ही दी दोस्तों। स्पास ग्राउंड की मैं बात करूं तो स्पास ग्राउंड में दोस्तों अलग से डिवीजन लेवल की सीनियरिटी बनती है, वो ऑन रिक्वेस्ट
इंटर रेलवे या ऑन रिक्वेस्ट डिवीजन डिवीजन रेलवे में नहीं शामिल होता है, उसका स्पोर्ट्स ग्राउंड का अलग से सीनेटी बनता है। दोस्तों में दूसरी ये बात है कि जो 1 लाख से अधिक जो वैकेंसी ग्रुप डी की थी वो अभी परीक्षा जारी है और आने वाले 2023 का फरवरी मार्च अप्रैल तक ये सभी रेल कर्मी बनकर आपके अलग अलग जोन अलग अलग डिवीजन में आ जाएंगे, तो ये मैच्योर ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। अभी से आप ढूंढना चालू कीजिए तो बहुत ही ये बड़ी जो खुशखबरी है कि 2023 में जो नए लड़के आएंगे रेलवे में ग्रुप डी के 1 लाख से 3 हज़ार अधिक वैकेंसी के, तो आसान हो जाएगा मैच्योर करना और हो सकता है उन रिक्वेस्ट इंटर रेलवे का भी हो और सभी से बाकी होना भी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में आपको एक अच्छा सुझाव मिले। और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, साथ में बेल आइकन पर आल पर बटन दबाए जिससे कि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।